सुभाष बराला कोई आज से राजनीति में नहीं है। मैं 1995 से क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय हूँ। कांग्रेस की जो गत आज इतनी बुरी हुई है, इसके ऊपर भी हुड्डा साहब को विचार करना चाहिए दूसरों के ऊपर टिप्पणी करने से पहले। टोहाना से आपके विधायक हैं, जेजेपी के, और हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं देवेंद्र सिंह बबली। वो लगातार कहने की आपको लेकर मुखर रहते हैं और आरोप भी लगाते हैं कि टोहाना में इस तरह के बहुत सारे अवैध काम होते हैं जिनके सीधे सीधे हुआ वजह आपको बता रहे हैं, उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? हुड्डा साहब ने जो कहते हैं कि रोहतक हमारा घर है, तो रोहतक में हुड्डा साहब भी हार करके आए, सोनीपत में हार करके आए। ये हार जीत कई बार बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके कारण से सीटें जीतती भी हारती है, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि जो 2014 में चुनकर आए थे और 2019 के जो चुनाव हुए, तो सरकार के कहीं ना कहीं सिर्फ तीन मुख्यमंत्री समेत तीन मंत्रियों को छोड़ के सारे मंत्री हार गए, उसमें आपका भी नाम लिया कि जो उनके उस समय के प्रदेश थे वो भी हार गए। अगर इतना ही विकास कराया होता तो ऐसी स्थिति बीजेपी की नहीं होती। देखिए, चुनाव में हार जीत कई बार बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके कारण से चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन हुड्डा साहब अपने समय को भी देखें। यादमपुर हल्के का गांव है सीसवाल, उसे मुख्यमंत्री ने ओन मंच से ये कहा था ऑन स्टेज पर कि कहीं ना कहीं जो कुलदीप बिश्नोई है इससे निकम्मा विधायक हरियाणा में नहीं है, उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? अगर सत्ताधारी पार्टी है तो थोड़ा सा आसान रहता है मुख्यमंत्री या संबंधित विभागों के मंत्रियों से बात करके क्षेत्र के काम करवाना, लेकिन कई बार क्या होता है कि विपक्ष का जब विधायक होता है तो ठीक प्रकार से बातें पहुंच नहीं पाती हैं। ये जरूर जो कुलदीप जी बात कहते हैं ये ठीक है। राणा साहब, इससे आगे बढ़ के भी देवेंद्र बबली ने कहीं ना कहीं आरोप लगाया था कि जो हरियाणा सरकार में जितने भी मंत्री हैं कहीं ना कहीं तमाम जो है उनके महकमों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, और सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया कि तमाम की तमाम चीज़ों की जाँच होनी चाहिए कि आखिर वो कौन नेता है और किसके बलबूते पर जो उनकी प्रॉपर्टी वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हुई है, उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पूरे के पूरे मंत्रिमंडल पर उन्होंने कोई ऑन रिकॉर्ड ये आरोप लगाया था। भारतीय जनता पार्टी के साथ जननायक जनता पार्टी सरकार में भागीदारी में है, जननायक जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार में है, इसलिए जवाब उनको वहाँ से लेना चाहिए। कुलदीप बिश्नोई की बात करें, उन्होंने कहा कि आदमपुर जो कहने की 26 साल से यहाँ सूखा है, 26 साल से आदमपुर की जनता जो वनवास काट रही है, लेकिन 26 सालों की बात करें तो उसमें से 8 साल आपकी सरकार के भी है, क्योंकि 8 साल से हरियाणा में आपकी सरकार चल रही है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं फिर जो विकास कार्य होने थे वो यहाँ क्यों नहीं हो पाए? तो काफ़ी सारी ऐसी जो यहाँ के हल्के की डिमांड थी कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री जी से उनको पास करवा करके लेकर के आए हैं। नमस्कार, बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में हमारे साथ हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुभाष बराला जी। बराला साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। बराला साहब, आदमपुर उपचुनाव चल रहा है और आप भी लगातार कहने की प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस तरह का समर्थन जो है आदमपुर की जनता की तरफ से आपको मिल रहा है? देखिए, आदमपुर क्षेत्र की जनता बहुत सोच विचार करके वोट करने वाली है। बहुत लंबे समय से आदमपुर की जनता ने सत्ता से बाहर का विधायक दिया है, तो बहुत लंबे टाइम के बाद एक मौका आया है सत्ता में भागीदारी करने का, और यहाँ की जनता ने मन बनाया है कि अब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दोनों ही सरकारें मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग के लिए जब अच्छे काम कर रही हैं तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया जाए, तो ऐसा मन यहाँ की जनता का हमें बनता हुआ दिखाई दिया है, और एक अच्छे मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई यहाँ से जीत करके आएंगे। राणा साहब, आपने विकास की बात की, वहीं हम कुलदीप बिश्नोई की बात करें, उन्होंने कहा कि आदमपुर जो कहने की 26 साल से यहाँ सूखा है, 26 साल से आदमपुर की जनता जो वनवास काट रही है, लेकिन 26 सालों की बात करें तो उसमें से 8 साल आपकी सरकार के भी है, क्योंकि 8 साल से हरियाणा में आपकी सरकार चल रही, केंद्र में आपकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं फिर जो विकास कार्य होने थे वो यहाँ क्यों नहीं हो पाए? देखिए, जब तक आपका नुमाइंदा जो चुन करके गया है वो क्षेत्र की जनता की जो बातें हैं, अगर सत्ताधारी पार्टी है तो थोड़ा सा आसान रहता है मुख्यमंत्री या संबंधित विभागों के मंत्रियों से बात करके क्षेत्र के काम करवाना, लेकिन कई बार क्या होता है कि विपक्ष का जब विधायक होता है तो ठीक प्रकार से बातें पहुंच नहीं पाती हैं। ये जरूर जो कुलदीप जी बात कहते हैं ये ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें तो काफ़ी सारी ऐसी जो यहाँ के हल्के की डिमांड थी
कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री जी से उनको पास करवा करके लेकर के आए हैं। लेकिन अगर दूसरी मैं बात करूं, बहुत सारी ऐसे बातें होती हैं, जैसे हमारी सरकार का नारा था समान विकास समान रोजगार, तो उसमें मेरिट के आधार पर जो रोजगार दिए वो पूरे क्षेत्र में समान रूप से हुए। टेल के ऊपर पानी पहुँचाना, इस क्षेत्र में चाहे विधायक ने आवाज़ उठाई नहीं उठाई, तो हमारी सरकार की जो मंशा, मुख्यमंत्री जी को मंशा की जो मंशा, उस मंशा के आधार पर टेल पर पानी पहुंचाया गया। बाढ़सुमंद जैसे दूर दराज क्षेत्र के अंदर कॉलेज का निर्माण करवाया गया। तो सारी बातें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ अब लोगों के ध्यान में आई हैं कि इस प्रकार से हल्के का काम हो सकता है, विकास हो सकता है। यही मन बना करके क्षेत्र की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। बराड़ा साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं। कुलदीप बिश्नोई का आपने जिक्र किया कि कहने की जिस मजबूती से उनको आवाज़ उठानी चाहिए विधानसभा में वो नहीं उठाई। और मैं आपको याद दिला दूँ कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीसवाल गाँव में आए थे, आदमपुर हल्के का गाँव है सीसवाल, उसे मुख्यमंत्री ने ओन मंच से ये कहा था ऑन स्टेज पर कि कहीं ना कहीं जो कुलदीप बिश्नोई है इससे निकम्मा विधायक हरियाणा में नहीं है। उनके बयान को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इसी बयान को जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह वो भी लगातार लोगों के बीच कह रहे हैं। देखिए, कई बार समसामयिक परिस्थितियां होती हैं, उसके अनुसार किस प्रकार की स्टेटमेंट दी जाती है ये एक बीते जमाने की बात है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि लगातार हल्के का जो विकास है उसको कराने के लिए जो हल्के का नुमाइंदा है वो अगर सत्ताधारी पार्टी के साथ है तो उसको काम कराने में थोड़ी सी आसानी होती है। और क्योंकि कई बार विरोध इतना होता है आपस में, जैसे भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस का एक विरोध कई बार इतना देखने में सामने आता रहा है पूर्व में, कि जल्दी जल्दी हल्के का नुमाइंदा दूसरी पार्टी का अगर है तो वो काम कराने में झिझक महसूस करता है मुख्यमंत्री या मंत्रियों के पास जा कर के। तो मैं समझता हूँ वो सारी बातें बीते ज़माने की हो चुकी हैं और अब अच्छा समय ये आदमपुर क्षेत्र की जनता के लिए आया है कि वो सोच समझ करके फैसला करने वाली है और वो कमल के सामने का बटन दबाने वाली है। वहीं बराड़ा से हम बात करें गठबंधन के, जो भी आपके नेता प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हो, कहने की आदमपुर की जनता को कह रहे हैं कि आप सरकार में साझेदारी करेंगे तो आपके जो विकास कार्य हैं वो ज़्यादा होंगे। वहीं इसी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कटाक्ष भी किया कि जो 2014 में चुनकर आए थे और 2019 के जो चुनाव हुए तो सरकार के कहीं ना कहीं सिर्फ तीन मुख्यमंत्री समेत तीन मंत्रियों को छोड़ के सारे मंत्री हार गए, उसमें आपका भी नाम लिया कि जो उनके उस समय के प्रदेश थे वो भी हार गए। अगर इतना ही विकास कराया होता तो ऐसी स्थिति बीजेपी की नहीं होती। देखिए, चुनाव में हार जीत कई बार बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके कारण से चुनाव में हार जीत होती है। लेकिन हुड्डा साहब अपने समय को भी देखें, हुड्डा साहब ने जो कहते हैं कि रोहतक हमारा घर है, तो रोहतक में हुड्डा साहब भी हार करके आए, सोनीपत में हार करके आए। ये हार जीत कई बार बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके कारण से सीटें जीतती भी हारती हैं। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि कोई कितने बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, जनता उसको जिता भी देती है और जनता उसको हरा भी देती है। ये तो हम लोगों को तो ध्यान में, ये बात हुड्डा साहब को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आपकी पार्टी के ही विधायक जब आप मुख्यमंत्री थे आदमपुर से जीत करके गए, लेकिन आपने कितना विकास वहाँ का करवाया, तो आपकी पार्टी के नुमाइंदे थे। तो और इसीलिए हुड्डा साहब की जो राजनीति है भेदभाव की, क्षेत्रवाद की, कांग्रेस पार्टी की शुरू से ही एक इस प्रकार की पॉलिटिक्स रही है जिसमें क्षेत्रवाद हावी रहता है, जिसमें बरादरीवाद भी कई बार हावी उसमें दिखाई देता है, उसमें परिवारवाद उसमें दिखाई देता है। इन सारी बातों के कारण से आज कुलदीप बिश्नोई समेत कितने ही पार्टी के नेता कांग्रेस के बड़े बड़े छोड़ करके चले गए, आज कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, अशोक तंवर उनके उस समय के अध्यक्ष जब हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो उनको छोड़ करके चले गए। कांग्रेस की जो गत आज इतनी बुरी हुई है इसके ऊपर भी हुड्डा साहब को विचार करना चाहिए दूसरों के ऊपर टिप्पणी करने से पहले। वहीं बराड़ा साहब, एक सवाल मेरा गठबंधन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हरियाणा में आप गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, आदमपुर उपचुनाव की बात करें जो आपके गठबंधन के सहयोगी है जननायक जनता पार्टी के, उनमें से कोई भी नेता जो है प्रचार प्रसार करें नहीं यार, आखिर क्या वजह मानते हैं, गठबंधन में कोई दरार आ चुकी या कोई और वजह? देखिए, कहीं कोई दरार नहीं है, जहाँ जिसकी भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो व्यक्ति
कार्यक्रम हो या जनसभा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता है, चाहे मंत्री है या जननायक जनता पार्टी का कोई नेता है, उसकी जिम्मेवारियाँ, उसकी ड्यूटी लगती हैं और वो सब लोग आकर के काम करते हैं। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के भी सब मंत्री आपको यहाँ दिखाई नहीं देते। मैं जो कह रहा हूँ कि जिसकी भी जरूरत यहाँ पर पड़ती है उसी की जिम्मेवारी यहाँ लगा करके और कैसे हमारी एक जीत यहाँ पर बड़ी जीत हो उसका प्रयास किया जा रहा है। और दोनों ही पार्टी के जो नीचे कार्यकर्ता हैं वो चुनाव संभाले हुए हैं। बराड़ साहब, एक सवाल मेरा, आपके टोहाना क्षेत्र जुड़ा हुआ है, टोहाना से आपके विधायक है JJP की और हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं देवेंद्र सिंह बबली, वो लगातार कहीं ना कहीं आपको लेकर मुखर रहते हैं और आरोप भी लगाते हैं कि टोहाना में इस तरह के बहुत सारे अवैध काम होते हैं जिनके सीधी हुआ वजह आपको बता रहे हैं, उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जनता हर चीज़ को जानती है और सुभाष बराला कोई आज से राजनीति में नहीं है। मैं 1995 से क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय हूँ। बुना शुगर मिल से मेरी राजनीति शुरू हुई थी, वहाँ डायरेक्टर, वाइस चेयरमैन, हरियाणा शुगर फेडरेशन का डायरेक्टर और पार्टी के अलग अलग पदों पर रह करके मैं आज यहाँ तक आया हूँ। इसलिए मेरे ऊपर कोई आरोप लगाता है इसका जवाब मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। जनता हर चीज़ को अच्छी प्रकार से जानती है कि किस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है और किसने किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार किया है, किस प्रकार का कामकाज किस व्यक्ति का है, इसलिए मुझे इसके ऊपर टिप्पणी करने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। जी बराड़ा साहब, इससे आगे बढ़ के भी देवेंद्र बबली ने कहीं ना कहीं आरोप लगाया था कि जो हरियाणा सरकार में जितने भी मंत्री हैं कहीं ना कहीं तमाम जो है उनके महकमों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया कि तमाम की तमाम चीज़ों की जाँच होनी चाहिए कि आखिर वो कौन नेता है और किसके बलबूते पर जो उनकी प्रॉपर्टी वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हुई है, उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पूरे के पूरे मंत्रिमंडल पर उन्होंने कोई ऑन रिकॉर्ड ये आरोप लगाया था। देखिए, अब वो तो किस प्रकार के आरोप लगाते हैं जवाब वो खुद उनको देना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जननायक जनता पार्टी सरकार में भागीदारी में है, जननायक जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार में है, इसलिए जवाब उनको वहाँ से लेना चाहिए। शुक्रिया बराड़ा साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे BJP के वरिष्ठ नेता सुभाष बराड़ा, जिन्होंने कहीं ना कहीं आदमपुर की बात करें या फिर टोहाना की बात करें, हरियाणा के तमाम से तमाम जो जुड़े मुद्दे थे उनको लेकर हमारे साथ खास बातचीत की। और वहीं कहीं ना कहीं आदमपुर में इन्होंने कहीं ना कहीं दावा किया है कि जो गठबंधन के इनके उम्मीदवार भवेश नई वो यहाँ से हर हाल में जीत उनकी होगी, हालांकि आने वाला समय बताएगा और अब देखना होगा कि आखिर आदमपुर की जनता किसको अपना विधायक चुनकर जो है वो चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट चरण सिंह के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास, हरियाणा।